अज नैशनल यूथ डिवेलपमेंट वालों जोड़ा पिंड भवनाल महिलावान के लिए भैनों के लिए सिलाई सेंटर का आयोजन किया गया क्योंकि नैशनल यूथ डिवेलपमेंट जोड़ा सेंटर ये आले दुआले पिंड जिते कोई होर नहीं जा सकता जिते बाकी सहूलत नहीं उत्थे वूमेन इंपावरमेंट वास्ते और गरीब बच्चों भी जो भी उसकी ट्रेनिंग दे के देने का काम करता है चाहे वह यूथ हो नशे के खिलाफ काम करता है और स्किल डिवेलपमेंट के लिए काम करता है और विशेष रूप से यह जीडिया बीबिया भैन जड़िया उन्होंने उन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज शुरू करना है ताकि वो रुजगार का कोई ना कोई छोटा मोटा साधन बना के अपने पैरों पर खड़िया हो सकन वो जो गुरबंत सिंह पन्नू की गल कर रहे हो और वो वैसे तो सिखी के उत्ते लैके बड़ा रिजिड और बड़ा जड़े गलत जड़े विचार दिता है पर वो आप सिखी तो कोह दूर है और लागे छागे भी सिखी का कोई भी विचारधारा के नाल सिखी का कोई तालमेल आपस में है नहीं सो वो तो मंतव सिर्फ जोड़ा वाद विवाद करना और आतंक फैलाना वो ऐसे चीज़ों उजागर करना और आप समाज का जोड़ा है एक जो गुरुआ का संदेश है साझीवालता आपस में मिल के रहन का वो खिलाफ़ काम करने वाला व्यक्ति है और जो गुरुआ के संदेश के खिलाफ काम करेगा वो सिख हो ही नहीं सकता और वो जोड़ा समाज को तोड़न के जिहड़ा विदेशी ताकतों को पैसा उन्होंने इस करके मिलता है ताकि वह ऐसे पुठे सीधे काम करे और समाज को तोड़न के अपना योगदान पावे सो ऐसे लोगों को गुरेज करना चाहिए और उन्होंने कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं देना कनेडा और भारत के जिस तरह के विवाद चल रहे हैं किस तरह देखो कनेडा और भारत का जो विवाद राष्ट्र की सब प्रभुता क्योंकि राष्ट्र का सम्मान की गल है कि कनेडा वर्गा मुल्क जोड़ा प्रधानमंत्री असं समझते हैं कि बड़ा वह सुलझा होना चाहिए पर इन्ना गैर जिम्मेवार इन्ना बचकाना और यानी वो बयान देगा ऐसी किसी को उम्मीद नहीं सी और अज पूरी दुनिया के कनेडा की ये जी है वो जो बयान उत्ते हो रही है वो निंदा हो रही है ईवन दैन अज मैं पढ़ रहा कि कनेडा दखबारों ने ही के खिलाफ लिखे है उन्होंने कि वह कि पिछे लगाया आतंकवादियों के पिछे लगाया क्योंकि जिन्हें वो गल कर रहे हैं वह सबूत हले तक उन्हें कितने नहीं दिता रौला बहुत है।